जिसको हम बोलते हैं हेलो एंड खमागड़ी टू ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है जो न्यूली मैरिड जो गर्ल्स हैं वो किस टाइप के जो 4 मीटर जो ड्रेसेस हैं डेली वेयर में कैसे ड्रेसेस पहन सकती हैं 4 मीटर के जॉर्जेट में, गार्डन वरेली में, या अभी मार्केट में कौन सा फैब्रिक हो जो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और किस टाइप का जो है फैब्रिक आपको कंफर्टेबल घर के अंदर पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। और जो भी न्यू कमिंग मंथ में जो ब्राइडल्स हैं वो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं या सिस्टर हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उसके अंदर कोई भी ऐसा होता है जिसकी शादी है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज इतना ही है कि जो भी गर्ल्स जो मैं जिस टाइम में शादी के टाइम में जिस चीज से सरवाइव कर रही थी, जिस चीज को मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी, आप लोग वैसे ना हो और आपके मन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर करूं। और ये क्वेश्चंस मेरे पास आई थिंक इंस्टाग्राम पर काफी बार आ चुका है और मैंने वहां पर पर्सनली सबको मैसेज का रिप्लाई किया, बट अभी भी वो मैसेज रिपीट हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस चैनल पर, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई तो एक वीडियो बनाकर और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। आप मेरे वीडियोस तो देखते जरूर है बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर वीडियोज आप देखते हैं और मेरे सारे वीडियोज हेल्पफुल रहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि जीजा आपकी ये वीडियोस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बट अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स अप डू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अभी जो ट्रेंड में क्या चल रहा मार्केट में, साटन, गार्डन वरेली साटन एंड ब्रासो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड में। ब्रासो की इतनी सारी वैरायटीज आ रखी है मार्केट के अंदर, आप डेली बेसिस पर लेना चाहते हैं ब्रासो तो भी बहुत सारी वैरायटी है, उसकी प्राइस भी काफी डिफरेंट है क्योंकि ये मार्केट में न्यू है। तो 120-130 रुपीज मीटर है, मतलब 120 और 130 रुपए मीटर मतलब ये ब्रासो चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि इतने हैवी सूट आप घर में नहीं पहन सकते, ये पार्टी वेयर सूट हो जाते हैं, तो काफी अभी सूट ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लावर वगैरह के प्रिंट है। मैं जो भी जिस भी ड्रेस की बात करूंगी वो स्क्रीन पर साइड में मैं मेंशन कर दूंगी या पेस्ट कर दूंगी और आपको पता चल जाएगा, आप नोट कर लो क्योंकि फैब्रिक आप पैटर्न से नहीं लेंगे, फैब्रिक नाम से या उसकी पहचान से फैब्रिक दिखता है, उसकी जो मार्जिन होता है। हम बोलते बहुत महंगा कपड़ा है, तो कपड़ा क्या होता है अपनी क्वालिटी के लिए बिकता है, तो हमें क्या होता है कि कपड़ा लेने से पहले उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। काफी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ड्रेसेस बता देते ये ड्रेस है आप ये ले सकते हो आप वो ले सकते हो, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब हमें हमारे दिमाग में जो ड्रेस दिखाते हैं ना वो कि वो बैठ जाती कि नहीं यार वो ड्रेस दिखाइए वही लेनी है, तो जरूर नहीं सारी सिटीज के अंदर आज की डेट में वो ड्रेस मिले ही मिले। मैं अपनी सारी ड्रेसेस आपके साथ शेयर तो कर दूं बट पॉसिबल है कि आप जिस सिटी में रहते हैं आपको वो एज इट इज वो ड्रेस मिल जाए नहीं, तो मैं आपको बस यही बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको कैसा फैब्रिक लेना है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात करूं और विंटर्स की बात करूं तो दोनों को मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आपको समर्स में कैसी ड्रेसेस लेनी है और विंटर्स में कैसी ड्रेसेस लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम समर से। वैसे तो अभी अपकमिंग मंथ्स विंटर्स के आ रहे हैं बट समर में भी कॉटन की ड्रेसेस काफी कंफर्टेबल होती है, विदाउट एनी डाउट मैं आपको बता रही हूँ कि काफी कंफर्टेबल होती है और आप वो ड्रेसेस ले सकते हैं। तो आप क्या करें, कॉटन की जो ऑल ओवर ड्रेस होती है जैकार्ड फैब्रिक जो होता है कॉटन का वो काफी अच्छा फैब्रिक होता है, और एक सरबती कोट होता है वो भी काफी अच्छा आता है, वो काफी अच्छा चलता है, उसका कलर भी फास्ट कलर जो आते हैं वो कभी भी आपके ड्रेसेस में से नहीं निकलते, तो आपको ना सरबती पोत, जैकार्ड फैब्रिक इनके बारे में पता हो। करूँ समर्स की तो ऑब्वियसली आपकी शादी के बाद समर्स आएगा तो उसके लिए आप एकदम से तो परचेसिंग नहीं करेंगे, तो अगर आप अपनी ड्रेसेस ले रहे हैं तो कुछ उसके अंदर कॉटन का हो। इफ अगर आप राजपूत हैं और आपकी न्यू शादी हुई है तो प्लीज आप अपने जो कॉटन का जो सेक्शन है वो अपने पास स्टॉक पहले से ही रखिएगा, क्योंकि एकदम से आप शादी के बाद बहुत सारी कॉटन की ड्रेसेस नहीं ले सकते, तो आप अभी जो परचेसिंग कर रही हैं अपनी शादी की उसके अंदर कुछ जो स्टॉक है अपने कॉटन की ड्रेसेस का जरूर रखिएगा। कॉटन के साथ अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो है चिकन का फैब्रिक है,
जी हाँ, चिकन का जो कपड़ा है वो अब भी काफी ट्रेंड में चल रहा है। उनके जो ऑल ओवर 4 मीटर सूट है वो भी चल रहे हैं, और उनकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और ऑल ओवर जो लहंगे होते हैं चिकन के और उनके ऊपर जोड़ होते हैं, आप उस टाइप का भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे सूट हैं जो राई बंदेज के अंदर है, वो साटन में भी आ रखे हैं और कॉटन में भी आ रखे हैं। तो साटन की अगर लहंगे तो कॉटन के उसमें जोड़ भी है। कुछ जो है वो 4 मीटर पूरे प्रॉपर साटन है और कॉटन की उसके ऊपर ओढ़नी है। उस टाइप के जो सूट होंगे उनका भी मैं यहाँ पे आपको पिक्चर बता दूंगी कि किस टाइप के, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आपको पता चल गया होगा समर में आपको क्या लेना है। कॉटन में जैकार्ड फैब्रिक जो आता है वो ले लीजिए, या सरबती पोत है वो ले लीजिए, या फिर आप चिकन का जो फैब्रिक आता है वो ले लीजिए। और जो लहंगे की मैं अगर बात करूं तो एक फैब्रिक और लीलन का जो फैब्रिक है वो भी काफी ठंडा रहता है और गर्मी के अंदर काफी कंफर्टेबल रहता है। बट अगर आपकी हाइट ज्यादा या हेल्थ है तो वो सिकुड़ने का डर रहता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी। बट आप सरबती पोत के साथ और चिकन के जो फैब्रिक है उसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। और कोटा डोरिया जो अभी नया चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, उसके साथ पेंटिंग का जो वर्क है वो भी काफी अच्छा है। आप उसको दोनों सीजन में पहन सकते हैं, समर एंड विंटर में। तो कोटा डोरिया की जो ड्रेसेस है पूरी डोरिया, सॉफ्ट वाला डोरिया होता है उसकी ड्रेसेस है, बीच बीच के अंदर 4 मीटर सूट और डोरिया का जो ओढ़ना है। मेरे पास भी ऐसी ड्रेस है और वो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, बट अभी प्रॉपर पूरी सूट ही चलने लग गए हैं। तो अगर आपकी शादी है तो आप उस टाइप के जो 4 मीटर सूट है वो भी ले सकते हैं, और मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पेस्ट कर दूंगी। सो आपको पता चल जाएगा डोरी की ड्रेस कैसी होती है और कैसी दिखने में कैसी होती है, ठीक है। नाम से भी पता चल जाएगा और दिखने में कैसी होगी ओवरऑल वो भी आपको पता चल जाएगा। देन अब हम बात करेंगे 4 मीटर जो ऑल ओवर सूट होते हैं और जो विंटर्स में काफी कंफर्टेबल होते हैं, और उनके ऊपर कैसे मिक्स मैच करके हम उसको पार्टी वेयर भी बना सकते हैं और डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। 4 मीटर सूट ऐसे होते हैं जिनकी शाइन कभी भी खत्म नहीं होती, उसमें रिंकल्स नहीं आते, जैसे जॉर्जेट गार्डन, बरेली जॉर्जेट, और जो सिर्फ बरेली गार्डन आती है वो भी आती है, जॉर्जेट में भी काफी सारी वेरायटी आती है। अभी कपड़ा एक ऐसा फैब्रिक है जिसके अंदर फ्लावर की बड़ी बड़ी प्रिंट्स है और उनके ऊपर ग्लिटर से शाइन मतलब आउटलाइनिंग की हुई है, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। व्हाइट कलर के जिगजैग वाला जो जॉर्जेट है वो भी काफी मतलब ट्रेंड में, और साटन है जो प्लेन साटन के जो सूट लेते हैं 4 मीटर, उसके अलावा भी साटन काफी ज्यादा डिफरेंट मतलब उसको विभाजन किया गया है, ऐसे समझ लीजिए। जो साटन है उसके काफी ज्यादा मतलब स्टॉक्स हो गए हैं, काफी अलग अलग वैरायटी में उसको, गार्डन वरेली की साटन है, सैमो साटन है, मतलब बहुत सारी साटन होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो छोटी मैं बताऊंगी, बड़ी बड़ी फ्लावर प्रिंट अभी ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी महीन महीन फ्लावर की जो डिजाइन है, या ज़िगज़ैग की डिजाइन है, या डॉट वाली है, इस टाइप की जो डिजाइन है काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड में चल रही है। एक है और जो पिंक कलर का प्लेन सूट होता है और उसको आई थिंक उसके ऊपर ग्लिटर के छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए, ये भी काफी टाइम पहले चला था, जिस तरह से ब्रासो चला था उसी तरह से ये भी चला था। बट अब कुछ टाइम बाद 10 या 15 साल बाद वैसे जो भी रिपीट होता है वो फैशन ही बन जाता है। जैसे आज 10 या 15 साल पहले जो ड्रेसेस मैंने अपनी मदर को पहनते हुए देखा था, कशीदे होते हैं या शिमर का जो काम होता है, उस टाइप की ड्रेसेस मैंने अपनी मदर को पहनते थे। मेरा क्या है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, मैं चीजों को नोट करती हूँ तो उनको भूलती नहीं हूँ। सो मेरी मदर ने जो ड्रेसेस पहनी थी वो अभी वापस, जो ब्रासो है वो वापस ट्रेंड में आया। तो अभी रिसेंटली मैंने 2 या 3 ड्रेसेस ऑनलाइन भी अच्छी देखी है, बट मैंने उसकी पर्सनली परचेसिंग नहीं की है। अभी मैं जब जोधपुर जाऊंगी तो मैं उसकी परचेसिंग भी करूंगी। जोधपुर में काफी सारा मतलब बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है जहां पर आप इजीली इन चीजों को, जैसे शॉप से 120 रुपए, 140 रुपए मीटर या 180 रुपए मीटर के जो सूट हैं वो ऑल ओवर सूट आपको 340, 350, 350 या 400 तक आपको इजीली मिल जाते हैं। तो काफी सारा होलसेल मार्केट है जोधपुर में, बट यहाँ पे ऑब्वियसली ससुराल में मैं कहीं बाहर नहीं गई तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट वहां का मुझे काफी नॉलेज है और मैं मेरी मदर के काफी क्लोज में हूँ, तो मुझे सारी चीजों का काफी ज्यादा नॉलेज है। वो मैं उनसे डिस्कस भी करती हूँ कि ये चीज क्या है, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों, तो मुझे काफी ज्यादा नॉलेज हो गया इन चीजों का। सो अगर विंटर्स में अगर आप ले रहे हैं तो गार्डन वरेली साटन और सैमो जो साटन होती वो भी आप पहन सकते हैं। उसके भी मेरे पास सूट है, मेरे जो घी पिलाया था उसमें जो मैंने ड्रेस पहनी थी
और शेडेड की थी, साटन की थी, सेमो साटन थी वो भी, और उसके ऊपर प्योर की ओढ़नियां। तो आप जो 4 मीटर सूट लेते हैं उनके साथ आप कॉटन की ओढ़नियां भी ले सकते हैं, और उनके साथ आप प्योर की जो ओढ़नी है उनको भी डाई करवा के रखिए, ताकि क्या होता है कि उन जो चार, अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है 4 मीटर सूट और उसके साथ प्योर की ओढ़नियां, प्योर नहीं लेते हैं हाफ प्योर, हमरा ही प्योर, इन इस टाइप में भी आप ले सकते हैं। तो इस टाइप का क्या होता है, आपका बजट कम हो जाता है और स्टॉक में आपके पास नई वैरायटी आ जाती है, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, कम पैसे में और ज्यादा वैरायटी हो जाती है, और उनको हम ज्यादा केयर नहीं भी करते हैं, तो डर नहीं है, कभी भी खराब भी हो जाती है तो इतना टेंशन नहीं कि प्योर खराब हो जाता है, उतनी टेंशन नहीं होती है हमरा ही प्योर के अंदर। और एक और प्योर आता है मास्टर जी का प्योर, बट मुझे प्रॉपर नहीं पता कि प्योर और मास्टर जी प्योर में क्या डिफरेंस है, और जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी। और आपको और कोई रिगार्डिंग हो ड्रेसेस को लेकर, या एज अ ब्राइडल कुछ आपके मन में डाउट हो कि किस टाइप की हमें जो फैब्रिक, या फिर किसी और वे में, लाइक मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, बट आप एज अ ब्राइडल काफी चीजें सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने सोचा बहुत था बट अपने माइंड से ही सारा कुछ किया था। सो आपके पास अगर कोई हेल्प का सोर्स नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, और मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर। सो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज ये चीजें भूलिएगा मत। किसी ने बोला कि हम 11 और 21 सूट ले रहे हैं, वो किस हिसाब से लें, किस हिसाब से हम उनको डिवाइड करें, तो इस टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो क्रिएट करूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर भी आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करूंगी। सो आज का मेरा मोटिव यही था कि आप जो भी ड्रेसेस समर एंड विंटर के लिए ले रहे हैं तो उनमें जो चल रहा है आप वही कलेक्शन करें, क्योंकि आज जो ट्रेंड है वो अगले एक साल तक आप इजीली पहन सकते हैं, बट आज से एक साल या दो साल पहले का जो पहनेंगे थोड़ा आउट फैशन हो जाएगा। सो अभी 4 मीटर सूट है, गार्डन बरेली, जॉर्जेट, गार्डन जॉर्जेट, बहुत सारी वैरायटी है मार्केट के अंदर, बट उसके अंदर जो प्रिंट है वो थोड़ा स्मॉल प्रिंट वगैरह इस टाइप का जो प्रिंट है वो है। मेरे पास भी कुछ सूट है, उनकी पिक्चर्स में लगा दूंगी और वो भी काफी प्यारे लगते हैं। अभी एक टिश्यू वाला जो फैब्रिक है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो भी काफी अच्छा लगता है। शिमर वाला जो होता है जिसके ऊपर ग्लिटर से बने होते हैं फ्लावर प्रिंट होते हैं, और साटन का जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर जो फ्लावर का प्रिंट बना होता है, मेरे पास भी वो ग्रीन कलर का ड्रेस है। तो इस टाइप के जो अपडेटेड वाले जो ड्रेसेस है उनके ऊपर मैं बोलूंगी आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्यों मैं यही एंड करूंगी। और वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थमा गणेश सर।